अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्तिसाम और आज मैं एक ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जो कि आजकल ज़बान ज़द आम है, और वो है कि क्या हम श्रीलंका के हालात पर जा रहे हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका के मौजूदा हालात में क्या डिफरेंस है। तो इससे बात करने से पहले यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है कि आजकल पाकिस्तान के प्लानिंग के मिनिस्टर हम सबसे अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों ना हम सब चाय की दूसरी प्याली को अवॉइड करें ताकि हमारे इम्पोर्ट का बिल कम हो जाए। ये बात बिल्कुल काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो तकरीबन 600 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट करता है, और चाय हमारा कौमी मशरूब भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसकी प्रोडक्शन नहीं है। किसी ज़माने में शिंक्यारी वगैरह साइड पर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी जो कि आने वाली हुकूमतों ने मुशरफ के बाद वो कंटिन्यू नहीं किया। तो हमारे मुल्क में अगर इन्फ्लेशन देखी जाए 13 ईयर्स की हाइस्ट इन्फ्लेशन रेट्स हमारे मुल्क में हैं, और डॉलर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है हर दिन। उसकी एक नई हमें फिगर पता चलते हैं जो कि पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को वो पीछे छोड़ देता है। तो श्रीलंका के हालात को अगर देखा जाए तो श्रीलंका में इशू ये है कि लोगों के पास खाने की चीज़ें भी नहीं हैं, मेडिकल की जो चीज़ें दवाइयाँ चाहिए उनके पास वो भी नहीं है। क्राइसिस बहुत सीरियस है और पेट्रोल नहीं मिलता। अलर्ज ये कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स का एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। तो इवेंचुअली अभी तक तो हमारे हालात अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ तक नहीं है, लेकिन श्रीलंका को इन हालात में पहुँचाने के लिए जिन फैक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैं आज उन फैक्टर्स को लाजमी यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, और यही वो चीज़ें जिनकी वजह से श्रीलंका आज इस हालत में है। एक तो सबसे पहले कि श्रीलंका की GDP का 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टूरिज़म की इंडस्ट्री करती थी। तो टूरिज़म की इंडस्ट्री कोविड की वजह से शदीद तरीन डिस्टर्बेंस का शिकार हुई, और इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ट्रैवलिंग बंद हो गई, श्रीलंका के भी बॉर्डर्स बंद हो गए, कुछ मुल्कों ने बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। नतीजा ये निकला कि श्रीलंका के अंदर जो उनका इकॉनमी को एक बहुत बड़ा सहारा था टूरिज़्म का, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, राजपक्षे गवर्नमेंट बहुत अरसे से वहाँ पर हुकूमत में है, और 2014 में अगर बात की जाए तो श्रीलंका की इकॉनमी एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी, और उनके अगर फिगर्स देखें जो उनकी ग्रोथ रेट थे वो तकरीबन 6.4 to 7.4% तक वेरी करते हुए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में नज़र आते हैं। और बहुत ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लें या फिर आप मूडीज़ की रेटिंग देख लें, उस वक्त आपको बहुत अच्छी इकॉनमी उनकी उस वक्त नज़र आ रही थी। लेकिन उसके साथ साथ ही जब इकॉनमी ग्रो कर रही थी तो राजपक्षे गवर्नमेंट ने फ्रीबीज़ की, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी उन्होंने ऑफ़र कर दी गवर्नमेंट ने लोगों को, और हर तरह की टैक्स से उन्होंने एक तरह से छूट भी देना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत के पास आमदन के ज़रिए ख़त्म होते गए, क्योंकि सस्टेनेबल और कोई तरीका नहीं था। तो ऐसे ऐसे फ्रीबीज़ उन्होंने दिए, ऐसे ऐसे रिलीफ दिए जिससे वो इलेक्शन तो जीतते चले गए लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क होता गया। चाहे वो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी हो जिसकी वजह से आजकल हम भी तकलीफ़ का शिकार हैं, या फिर कोई और इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ ख़त्म कर देना जिससे लोगों को मज़ा आ रहा हो, वो चीज़ जिस तरह गाड़ियों की इम्पोर्ट है हमारे मुल्क में भी होती रही। ये प्रॉब्लम्स श्रीलंका के लिए बहुत संगीन साबित हुए 2021-22 में। और अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए, जो कि एक ऐसा एडवेंचर था जो कि लोग समझने से कासिर हैं कि ऐसा क्यों किया श्रीलंका की हुकूमत ने, और वो ये था कि श्रीलंका की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो दुनिया की पहली कौम बनेंगे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यानी कि पेस्टिसाइड किलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जब पेस्टिसाइड किलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये ख्वाब जो था ये ख्वाब ही रह गया, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और कीड़े मकोड़ों को तल्फ करने की जब दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की गई तो फसलों के ऊपर बहुत मनफी असर हुआ, और उससे श्रीलंका की एक और जो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी चाय, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो मार्केट में वो नहीं भेज सके इंटरनेशनल मार्केट में। और इसी तरीके से जो बाकी भी उनकी एक्सपोर्ट्स थी एग्रीकल्चर की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो ये वो एडवेंचर था जो कि श्रीलंका के लिए अनसस्टेनेबल हुआ। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि जब फर्टिलाइज़र की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी हाइस्ट पीक पर चली गई तो उस टाइम श्रीलंका को खाद चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका के पास खाद खरीदने के पैसे ख़त्म हो चुके थे। ये तमाम मसाइल जो मैंने आपको बताए श्रीलंका के मसले यही हैं, और यही वो रीजंस हैं मेन जिनकी वजह से श्रीलंका की मौजूदा क्राइसिस जो है वो संगीन होते जा रहे हैं। और लोगों को ये सवाल है कि पाकिस्तान भी स्टेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि क्या हम कहाँ पर खड़े हैं और श्रीलंका कहाँ पर खड़ा था। यहाँ पर ये बात भी बताना लाजमी है कि राजपक्षे गवर्नमेंट जो है ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड टाइप की गवर्नमेंट है,
और भाई हैं चार चार हुकूमत में और वही पॉलिटिक्स के अंदर भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। तो करप्शन वहाँ पर भी बेताशा है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव साइड ये बताऊँ तो वहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी बेहतर है हमसे। श्रीलंका के लोग अमूमन जो लोग उनसे मिलते रहे वो बताते हैं कि बहुत खुश मिजाज लोग हैं, लेकिन आजकल काफ़ी मसले का शिकार हैं और इसीलिए बहुत ही सख्त किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, जिस प्रोटेस्ट में अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया जाता है और एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात का जायज़ा बनता है, अगर बनता है तो वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, और अगर नहीं जा रहे तो भी आप ज़रूर शेयर करें कि क्या वो पॉजिटिव चीज़ है या क्या चीज़ हमें डिस्क्रिमिनेट करती है जो हम श्रीलंका के जैसे नहीं हालात में नहीं जा रहे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक के बटन में क्लिक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देखते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।